Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं वी केयर गोट फार्म पे. हमारे साथ है अरशद भाई और इस वीडियो के अंदर हमारे साथ रहेंगे अशरफ भाई. ठीक है, और कुछ फीडबैक अशरफ भाई से लेंगे कि बकरे यहाँ पे किस तरीके, अगर पलाई पे देना चाहिए किसी को तो क्यों देना चाहिए, रीज़न क्या है, और फार्म किस हिसाब से बनाया हुआ है, बकरों को सूट करेगा या नहीं करेगा. जो हमने बताया वो तो बताया, एक फार्म ओनर से पूछने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत लोगों को समझ में आएगा. ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा. वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले. शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, मेल या डीएम करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अरशद भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर आप मिल जाएगा, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सलामुअलैकुम भाई लोग. वालेकुम सलाम समीर भाई. खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह. अशरफ भाई, हाँ, वो तो पहले वीडियो में तो सडनली ऐसा हुआ कि हम लोग अंदर आए और आप सामने बैठे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपसे एक फीडबैक लेना चाहेंगे. अशरफ भाई, एक फार्म आप चला चुके हो पलाई का, अभी आप ट्रेडिंग का फार्म आपका चल रहा है, लेकिन पलाई अपन ने की और आज भी कुछ अपने पर्सनल बकरे अपन पाल ही रहे. ये फार्म अपन ने टूर किए, देखे, तुम और मैं अपन साथ में ही घूमे. एक दो तीन ऐसी वजह बताओ लोगों को यहाँ पे बकरे पलाई पे क्यों देना चाहिए. भाई थोड़ा अरशद भाई आपके नीचे नज़दीक, नहीं नहीं बस नज़दीक रहोगे तो. वजह तो यही रहेगी कि इंसान इखलाकी है, बोलते ना, एक मोहब्बत इंसान है. इखलाक भाई अपने साकी नाका पे, ये भी कुरला के ही है, ये भी कुरला के है, मैं गोवंडी का, वही पट्टे के ये आसपास के. तो इंसान इखलाकी है. जो इन्होंने फार्म का नाम रखा है वी केयर, हाँ, हकीकत में यहाँ पे केयर हो रही है, बकरों की केयर हो रही है. सही है, दिखावे की केयर नहीं हो रही है. जो भी है साफ सफाई के रिलेटेड ले लो, बकरों की साफ सफाई देख लो, फार्म की साफ सफाई देख लो, बकरों की फीड देख लो, और सामने दिख रहा है कि नहीं बकरे खुश है. जब ये नहीं थे अपन फार्म पे एंट्री किए, चाचा की साफ सफाई चालू थी, मेरे ख्याल से 45 बकरों में से 13 से 14 बकरे ऐसे थे जो फैल के सोए हुए थे, सो रहे थे, एकदम बेखबर सो रहे थे. जाके ये लगभग 150 फुट से ज्यादा है जी भाई, जाके अपन रिटर्न आ गए, लेकिन बकरे बेसोध पड़े थे, एकदम होश नहीं था उनको. तो वी केयर हो रहा है, वी केयर हो रहा है. ठीक है, और तीसरी वजह क्या है? दो तो बता दिए. तीसरी वजह समीर भाई से आप शूट करा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है. ये क्यों ऐसा बोले तुमने यार? एक आदमी अच्छा है, हाँ, एक यूट्यूबर अच्छा है, अच्छा, और तीसरा बकरों की रखवाली अच्छी हो रही है, फीडिंग अच्छी जा रही है, साफ सफाई अच्छी है, माशाल्लाह, बस हो गया. जो चीज है वो तो है सामने भाई. सामने मैं समीर भाई, मैं अशरफ भाई से ये जानना चाहूंगा, मतलब अगर मेरे को इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे आप काफी टाइम से कर रहे हो भाई, तो हिसाब से बस एक बात बोलूंगा मैं सर आपको, आपके पास टोटल कलेक्शन अंडों का है मेरे ख्याल से, उसके से दो या तीन बकरे, चार पांच बकरे कसी है बस. तो आपने जितनी जगह में 40 बकरे को फैला के रखा है जी भाई, तो आप इतनी जगह में मेरे ख्याल से 200 अंडू रख सकते हो जी भाई. लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, केज केज वगैरह बनाना पड़ेगा, या फिर नजदीक नजदीक में ऐसा बांधना पड़े, रख दो जी, इसमें आपके केज में जो 5-6 बकरे हैं जी भाई, तो उसकी जगह आप 10-10 भी रख सकते हो बराबर. बस यही कर सकते हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है. बाकी खस्सियों के वाड़े तो रेडी है, जैसे खस्सी का कलेक्शन आएगा आपके पास धीरे धीरे, तो भरते जाओ. ज्यादातर तो वैसे अंडुल कलेक्शन ही आता है, हाँ, खस्सी तो बहुत ही कम आते हैं. खस्सी आते हैं तो सीजन के एकदम आखिरी छेड़े पे, अभी आना स्टार्ट हो जाएगा. अभी समझो खस्सियों का रमजान आएगा ना, रमजान में जो भी खरीदी होगी, रमजान के बाद जो भी खरीदी होगी, तो 2-2.5 महीने के लिए खस्सी बकरे काफी आएंगे बलाई में. इंशाल्लाह मैं मेरे कस्टमर, अशरफ भाई, हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पास से जो भी बकरे खरीदी करोगे यहाँ पे रखो. फार्म तो अच्छा ही है, बंदा भी अच्छा है, सामने जगह भी अच्छी है. और दूसरी बात अशरफ भाई, ये रोज डेली कुरला से अप डाउन करते हैं, डेली अवेलेबल है यहाँ पे, आप कोई भी दिन छुट्टी नहीं लेते हो, नहीं फ्राइडे वगैरह भी? फ्राइडे हम लोग, मैं और चाचा भाई पड़गा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मतलब फ्राइडे भी आप और जल्दी आना पड़ता है, फ्राइडे की ड्यूटी ज्यादा हार्ड है और जल्दी आना पड़ता है भाई, मतलब पूरा महीना अवेलेबल है जी भाई. रात में कितने बजे तक रहते हो? मैं रात में 8:30 से 9 बजे तक अवेलेबल यहाँ पे, अवेलेबल
8:30 to 9 तक। तो मतलब कोई भी आपसे मिलने भी आना चाहे सात 6:30-7 बजे हो जाते, उसके बाद भी आदमी 2 घंटे तक अवेलेबल है तो और क्या चाहिए। सही बात है, तो वो सबसे बड़ी बात ये प्लस पॉइंट कि आप खुद अवेलेबल हो यहाँ। हाँ पे भाई। हाँ। और चाचा एक है तो चाचा के साथ पूरा आपका भी इन्वॉल्वमेंट उतना है। पूरा फार्म है समीर भाई, ये सेपरेट है एकदम। और क्वारंटाइन रूम जो आप देखोगे ना तो यहाँ से लगभग 50 फुट दूर है। इतना लंबा क्वारंटाइन रूम है, कहाँ पे भी बांधो बकरी। सही है। तो इरशाद अरशद भाई अभी अपन कुछ सेलिंग के बकरे दिखाते हैं जी भाई, है ना, और उसका क्या है रेट वगैरह वो भी अपन बता देते हैं। कौन सा बकरा सेलिंग के लिए है? पहला तो एक यही है समीर भाई, अशब भाई अपना हैंडसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा नायाब, इसको खोल के दिखाते हैं। दिखाओ दिखाओ तुम दिखाएंगे सेलिंग वाले भाई दिखाएंगे। आ जाओ खोलो इसको। ये भाई कौन है आपके? ये भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुर्ला अच्छा, के ही हैं। अच्छा, इनके भी एक बकरा है मेरे लेकिन पास। ये भाई आके बराबर मेहनत कर रहे हैं, बकरों को चुन्नी दलवा रहे हैं और माशाल्लाह सब चीज कर रहे हैं। भाई जैसे दोस्त है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। बकरा देखो भाई, इसको बाहर लेके दिखाते हैं थोड़ा, इधर लो पैसेज में लो। मस्ती देखो कैसा उछलता है भाई, मार देगा लेकिन ये मेरे को ही मारेगा। तुम्हारे पास आता है? मेरे ही पास आएगा मारने मेरे को। आ जा माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, उसको दिखा दो समीर भाई। भाई कितने दांत पे है ये बकरा? ये अभी 6 दांत निकाला है भाई। ओके संभाल। अरे भाई ये तो अलग ही कर रहा है यार वो भाई, है ना, इससे आदमी ज्यादा प्यार करता है भाई। ये दिखाओ क्या लगता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ज्यादा प्यार करता भाई। ये बकरा दिखाओ समीर भाई, 6 दांत पे बकरा है, क्या वेट पर है ये? इसका वेट कर लेते हैं भाई, कांटा करेंगे डायरेक्ट? कांटा करेंगे भाई डायरेक्ट। कांटा कर रहे हो? अभी बकरे ने खाया है? हाँ भाई अभी खाया भी नहीं, वो छोड़ के आया है अभी। खाया ना, छोड़ कर आया है, उसको दिखाना पड़ रहा है, तो कांटा करते हैं भाई। चलो आओ कांटा कर लेते, आ जाओ। सो गाइस ये है 0, ये है नया कांटा माशाल्लाह, ये है क्वारंटाइन रूम। क्वारंटाइन रूम नहीं है, क्वारंटाइन फार्म है। बकरे को यहाँ पे रोका गया है ताकि बकरा उछल कूद ना करे। 78-79 केजी पर है। रुको भाई तुम्हारा हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। बकरा रुका है, ठीक है रुका रुका रुका, ठीक है। बकरा देखे ऊपर खड़ा हुआ है, 78-79 केजी, वो भी आधा खाना खाया हुआ है अभी। 80 केजी प्लस है भाई, नीचे जा रहा है तो शाम में करके देंगे तो 80 केजी प्लस है भाई। लगभग मान के चलो 78-80 केजी का बकरा है ही, ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी भाई? भाई ये अपने कुर्ला वाले आमिर भाई का, ये 44 केजी पे आया था अपने पास 10 सितंबर को। 10 सितंबर को 44 केजी पे आया था माशाल्लाह, अभी 78-80 केजी पे खड़ा है। 80 केजी है, 70-80 पकड़ लो जो अभी कांटा दिखा रहा है, 78 केजी पकड़ते हैं। क्या डिमांड है इसकी? 55,000। कम करेंगे कुछ? वो आमिर भाई का नंबर दे देंगे, उस पर बात हो जाएगी। और बकरे को अगर आपके पास पलाई पे रखना है तो फिर इसके लिए क्या क्या है चार्जेस आपके? इसके लिए भाई कैसा है कि ये अपने पास ही है काफ़ी टाइम से, फुल वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीन का चार्जेस नहीं लगेगा। बाकी पलाई अभी पलाई क्या लगेगी? अभी पलाई अभी 80 केजी प्लस रहेगा, 3,500 रुपये, ठीक है। अच्छा पैसा लोगे, अच्छा खिलाओगे, अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो दूसरा बकरा दिखाते हैं गाइस, ये देखो दूसरा बकरा, टॉप क्वालिटी के बकरे हैं माशाल्लाह, खूबसूरती पेटी बकरों का। ये भी अभी खाया नहीं है पूरा। हाँ अभी ये भी पूरा नहीं खाया है भाई। कहाँ था इसका फीडर? ये भाई हाँ थोड़ा थोड़ा ही खाया है। चलो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन बकरा देखो आप कितने दांत पे भाई। अभी ये संभालना 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 संभालना, 2 दांत पे भाई। ओह 2 दांत का बकरा है माशाल्लाह, दंत था भाई। डेढ़ महीना हुआ रहेगा समीर भाई इसको दांत निकाल के, डेढ़ महीना हुआ है दांत निकाल के, दांत निकाल के। और ये पिछले रमजान से मेरे पास में भाई। थोड़ा सा बकरे को सीधा पकड़ो, एक फोटो ले लू अच्छे से। ये देखो माशाल्लाह, थोड़ा चेहरा मेरी तरफ करो तो। ओहो माशाल्लाह क्या घाट का बकरा है माशाल्लाह, क्या बकरा है भाई, 2 दांत का बकरा है। चलो कांटा कर लेते जी भाई, आओ साइड से पेटी देखो भाई इसकी, ढोल हो रहा है ढोल माशाल्लाह। ये देखो
68 के जी का बकरा है ये, दो दांत पे है, 68 के जी डिमांड। भाई ये 550 रुपीस के जी डाला हुआ था, किसी ने मतलब ले चुका था, मैंने सोल्ड आउट डाल दिया था, उसके बाद में ये बकरा फिर कैंसिल हुआ, क्यों मतलब किसी रीजन की वजह से। ओके, तो ये बकरा रह गया भाई 550 रुपीस पर के जी में, छोड़ दो, अब जो लेगा वो नसीब वाला है माशाल्लाह। जिसके नसीब में नहीं था वो उसने नहीं लिया बंद करके फिर रह गया वो सौदा। बाकी मैंने सोल्ड आउट डाल दिया था, खुर वगैरह देख लो ठीक है। अभी ये 68 केजी पे है तो 3000 रुपये पलाई इसकी लगेगी, 3000 रुपये, नो वैक्सीनेशन चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं ठीक है, क्योंकि बकरा यहाँ का सेट है, वैक्सीन हो गया है ऑलरेडी, तो दोबारा चार्ज नहीं लेंगे, नहीं लिया जाएगा ठीक है, चलेगा। ओके गाइस, बकरा देखो आप माशाल्लाह, कलर पैटर्न का फरी बकरा है, गुजरी में आएगा ये, गुजरी में है भाई। दांत कितने हैं इसके? 6 दांत है समीर भाई, 6 दांत का बकरा है ठीक है, 6 दांत अभी, हाँ हाँ 6 दांत है लेकिन फ्रेश किया, फ्रेश किया होगा ठीक है। इसका वजन अपन नहीं करते, अंदाजा दे देते, अंदाजा नहीं भाई, 75 kg प्लस है, 75 kg प्लस का बकरा है, गुजरी में है माशाल्लाह। इसको वेट का वीडियो चाहिए रहेगा, दिखा देंगे। दो बकरे अपन ने काटा किए जी भाई, अभी सब बकरे अपन नहीं कर पाएंगे, 75 kg माशाल्लाह। बकरा देखो यार क्या प्लेफुल बकरा है, ओहो हो भाई काफी सब मार कुटाई वाले ही है, हाँ भाई सब अंडू है भाई, इसको थोड़ा पकड़ो, एक फोटो ले लेता हूँ। बकरे रुकने को नहीं तैयार है भाई। भाई क्या मांग रहे हैं इसके? भाई 500 रुपीज के जी, 500 रुपीज कर पर के जी, पर के जी। और पहला वाला बकरा था 450 रुपए किलो, नहीं 550 रुपए किलो, ये 500 रुपए किलो का बकरा है, इसके पहले जो बकरा दिखाया गया वो 550 रुपए किलो का बकरा है माशाल्लाह, बहुत खूब। ये भी भाई 42 kg पे अपने पास आया हुआ है, एक अक्टूबर को आया हुआ बकरा है। ओके, आज इसका वेट है 75 kg प्लस है, अगर करना है तो दिखा भी सकते हो माशाल्लाह। 500 रुपए किलो, 6 दांत अभी करा है भाई, 75 किलो, 75 बैठेगा गुजरी। और बकरा देखो रुकने को तैयार नहीं है, नहीं नहीं क्या, ये देखो माशाल्लाह। फार्म सेट बकरे, वैक्सीनेटेड बकरों की बात अलग ही रहती है, इसको बोलते हैं कि फार्म को एक्सेप्ट कर लिया इसने, 50 रुपए को रोने से अच्छा है महंगा ले लो 50 रुपया, लेकिन आज जंगल में जाएगा ना तो भी 500 रुपए में गुजरी नहीं है माशाल्लाह भाई। 100-100 बकरे का सौदा कर रहे तो भी नहीं मिल रहा है, नहीं बात कर रहे, तो एक तो मिल ही रहा है माशाल्लाह, आप ले लो, पानी नहीं हिलता उनके, सही बात है। ये देखो 550 बकरे खरीदी किए अपन ने, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कम टच से मस्त नहीं होना है, और यहाँ अपन माशाल्लाह 500 रुपए में दे रहे बकरा, बहुत अच्छा, दुआ में याद रखना बस वही चलता है ठीक है, लाओ भाई अंदर डाल दो उसको जी भाई। गाइस एक और कोटा माशाल्लाह, कलर पैटर्न, हाइट अच्छी है इसकी, 40 की हाइट है भाई, है ना, नापे हो आपने के अंदाज़ नाप लेंगे, अभी फिर से नाप लेंगे, 40 है भाई। ओके, दांत कितने? 6 दांत लगाया होगा, 4 दांत का बकरा है, 6 दांत कर लिया, हाँ 6 दांत कर लिया होगा, 4 पे था ये। ओके वाह, क्या वजन का अंदाज है इसका? वजन का इसका अंदाज नहीं है भाई, करना पड़ेगा वेट, 65 kg होगा, लेकिन कर लें तो कर लेते हैं, चलो कर लो कोई मसला नहीं, फिर भी लेकिन लोग मांगते ही है, आपको फिर देना पड़ेगा पर्सनल पे। माशाल्लाह सब बकरे अच्छे तैयार है, सब वैक्सीनेटेड है, बेफिक्र होके आप लोग ईद के लिए बकरे अगर लेना चाहते हो, एक दो बकरा अगर किसी को लेना है तो भाई यहाँ से ले लो, खुखार बकरे, खुखार ज़ीरो देख लो, बकरा भी जा रहा है कांटे पे, ये गया कितना बताए थे, 65 किलो ना, 65 किलो है एग्जैक्ट, 65 kg माशाल्लाह ठीक है। क्या है इसकी डिमांड भाई? 40,000, 40,000 रुपये फाइनल है भाई, इसमें नेगोशिएट नहीं हो पाएगा, इसमें नेगोशिएट। ये है इनका फीड रूम ठीक है, ये है इनका नमाज रूम बोलो या किचन बोलो जो भी बोलो, ये है इनका क्वारंटाइन रूम 65 किलो माशाल्लाह, 40,000 रुपये बोले ना, फाइनल है ठीक है। इसके बाद कौन सा बकरा दिखाएंगे? बस दी एंड, 4 बकरे थे अपने, ये 4 बकरे पलाई पे ले लोगे अपना? हाँ ले लेंगे, और इसकी भी 3,000 रुपये लगेगी, हाँ जो 80 किलो पे चला गया उसके 3,500 रुपये लगेंगे, 80 kg प्लस, 80 kg क्रॉस होगा 3,500। और कुछ नए बकरे अगर बाहर से आते हैं तो? हाँ। वापस से बता दो एक बार पलाई अपनी, बिलो 50 kg 50 किलो के अंदर 2,500, 50 to 80 50 किलो से 80 किलो तक 3,000 रुपया, और 80 kg प्लस 3,500 रुपये। वैक्सीनेशन चार्जेस वन टाइम वैक्सीनेशन 1,000 रुपये ठीक है चलेगा। और
फीड में आप क्या क्या दे रहे हो बकरों को, मेरे को जरा फीड प्रोसेस थोड़ा बताओ ना भाई। मॉर्निंग के टाइम पे हरी पत्ती है कि पानी हो जाता है, उसके बाद दोपहर के टाइम पे चूनी है, चूनी तो अभी अपन ने दिखा भी दिया, उसके बाद में गवार भूसा या तो अपना तुअर भूसा, ओके, ये दोनों में से कोई एक चीज चलेगी। फिर रात में मिक्स फीड चलेगा। मिक्स फीड में क्या क्या दे रहे हो? मिक्स फीड है भाई, आपको दिखा सकते हैं। मक्का तो मुझे सामने दिख रहा है, आपने मिक्स बना के रखे हो क्या? मिक्स बना हुआ भी है भाई। ओके, अच्छा ये ड्रम में बना के रखे हो स्टॉक करके? ओके, हरी पत्ती, जौ, चना, मक्का, इसमें जवा बाजरा है, जवारी है, सब है, सात आठ आइटम मिक्स है, मतलब इसमें चना भी है इसके अंदर जी भाई। और कुछ कैल्शियम पाउडर वाउडर ये वो कुछ है इसके अंदर? वो कैल्शियम में देते हैं अपन ऑस्ट्रोवेट, और लीवर टॉनिक में लीव 52 या तो फिर ब्रूटोन। इसमें कुछ भी पाउडर फॉर्म में मिक्स नहीं है, ये प्योर प्योर वो है मिक्स फीड। मिक्स फीड ठीक है, चलेगा। तो ये वीडियो को क्लोज करते हैं भाई। किसी को भी अपना बकरा पलाई पर देना है तो ज़रूर यहाँ पर आए, जगह पे विज़िट करें, जगह पसंद करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और यहाँ पे बकरा पलाई पे देने की भी कोशिश करें। और अशरफ भाई, अपने यहाँ से जो भी बकरे बिकेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करो यहाँ पे कुछ बकरे कन्वर्ट करेंगे, और सीज़न के टाइम पर तो या हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ से बकरे निकलते हैं, तो अल्लाह चाहेगा तो यहाँ पर कुछ भेजेंगे बकरे। ठीक है भाई, उसकी तैयारी आपको करना है जी, है ना, कि ओवरलोड बकरे हो गए तो आपको क्या करना है। नहीं, वो तो करेंगे भाई। ठीक है, सो ये वीडियो क्लोज करते हैं। देखो वापस से इनको चुन्नी डाली गई है, मतलब जिसको ख़त्म हो जाता है उसको रिपीट करते हैं क्या? देखो इन बकरों ने ख़त्म कर दिए थे, वापस से इनको एक एक पार्ट रिपीट किया गया, माशाल्लाह बहुत अच्छे। सो वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।